WWE में बहुत से स्टार्स आए और गए, लेकिन उनके समय में ऐसा कोई स्टार नहीं आया जो सुपरस्टार गोल्डबर्ग को हरा पाया हो। गोल्डबर्ग वही है जिन्होंने लगातार 173 मैचेस जीते, और सिर्फ 173 मैच ही नहीं, हमारा दिल भी जीत लिया। क्योंकि कहते हैं ना कि शेर का शिकार तब ही होता है जब भेड़िये झुंड में आते हैं, वैसे ही गोल्डबर्ग को जब भी हराया गया झुंड में ही हराया गया। तो आज के वीडियो में हम ऐसे ही गोल्डबर्ग के 5 मैचेस के बारे में बात करेंगे जिसमें उन्हें झुंड ने हरा दिया था। नंबर 5 पर है केविन नैश। 1998 के WCW चैंपियनशिप में गोल्डबर्ग और केविन नैश का जो मैच हुआ, तब केविन नैश को पता था कि गोल्डबर्ग को हराना उसके बस में नहीं है, क्योंकि गोल्डबर्ग आज तक एक भी मैच नहीं हारे थे। इसलिए केविन नैश ने स्कॉट हॉल की मदद से, जब रेफरी का ध्यान नहीं था, तब गोल्डबर्ग को करंट दिया और कभी न हारने वाले गोल्डबर्ग ये चैंपियनशिप का मैच हार गए, और गोल्डबर्ग का न टूटने वाला स्ट्रीक भी टूट गया। नंबर 4 पर बुकर टी। 24 जुलाई 2000 के WCW के मंडे नाइट्रो पे बुकर टी ने गोल्डबर्ग को हराया। जब ये मैच शुरू हुआ तो बुकर टी पहले से ही जानते थे कि वो गोल्डबर्ग को नहीं हरा सकते, इसलिए उन्हें जेफ जरेट की मदद लेनी पड़ी और आखिरकार गोल्डबर्ग को एक बार फिर से चीटिंग करके हराया गया। नंबर 3 पर है स्कॉट स्टाइनर। गोल्डबर्ग जो 173 मैचेस लगातार जीते थे, उनमें से एक मैच में उन्होंने स्कॉट स्टाइनर को भी हराया था, जो कि अपनी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के लिए भी जाने जाते थे। जब वे दोबारा गोल्डबर्ग के साथ मैच खेलने आए थे, तब वो पहले से जानते थे कि वे अकेले गोल्डबर्ग को नहीं हरा पाएंगे, इसलिए वो प्रिंस रूसो को अपने साथ ले आए और फिर एक बार गोल्डबर्ग को धोखे से हराया गया। नंबर 2 पर हिटमैन। 25 अक्टूबर 1999 में WCW यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप में गोल्डबर्ग को हराया गया, लेकिन ये ऐसी पहली मैच थी जब गोल्डबर्ग को धोखे से नहीं मारा गया। इस मैच में जो रेफरी था, उसे गलती से लग गया था कि जिस वजह से एक नए रेफरी के एंट्री हो गई, और वो रेफरी रिंग में आकर चैंपियनशिप लेके चला गया, और बैकस्टेज जाते ही उसने ये चैंपियनशिप हिटमैन को दे दी, और इस तरह हिटमैन चैंपियन बन गए। और अब नंबर 1 पर है ब्रॉक लेसनर। ब्रॉक लेसनर को तो सब अच्छी तरह जानते हैं। ये पहली बार था जब ब्रॉक और गोल्डबर्ग मिले, जब गोल्डबर्ग ने बहुत ही आसानी से ब्रॉक लेसनर को हरा दिया था, वो भी एक बार नहीं, दो बार हराया था। एक बार तो 2 मिनट के अंदर ही गोल्डबर्ग ने ब्रॉक लेसनर को हरा दिया था, वो भी बहुत आसानी से। फिर 13 साल बाद रेस्टलमेनिया 33 में ब्रॉक लेसनर ने गोल्डबर्ग को हराया, वो भी बिना किसी मदद के। ये मैच यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए खेला गया था, और गोल्डबर्ग को हरा के ब्रॉक लेसनर ने यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीत ली थी। आप इसी से समझ गए होंगे कि गोल्डबर्ग कितना ताकतवर था, और उसे हराना किसी अकेले की बस की बात भी नहीं थी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही आगे क्या देखना पसंद करोगे ये भी बताइए। तब तक के लिए बाय बाय।